अभी आपको बताएं, लाहौर में बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। शहर में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। किन किन इलाकों में कितनी बारिश हुई और ज़िले इंतजामिया की जानिब से अब तक नकासी आप के क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं अंस जफर से। जी अंस जी, बिल्कुल। रात 11 बजे के करीब लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अब भी वक्फे वक्फे से जारी है। शहर के कई इलाकों में अभी हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। वासा के डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश मजमूई तौर पर जो है वो बरकत मार्केट गार्डन टाउन के अतराफ में 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा लक्ष्मी चौक के अतराफ में 97 मिलीमीटर, गुलशन रावी के अतराफ में भी 97 मिलीमीटर और नाखुदा चौक के अतराफ में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। बारिश की वजह से शहर के नशेबी इलाके भी जेरे आब आ गए हैं। इस वक्त मैं बरकत मार्केट गार्डन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे एकअप में देखा जा सकता है कि यहाँ पर 2 से 3 फुट पानी जमा है। कई लोगों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं। एमडी वासा निकासी आपके जायजा लेने के लिए शहर में मुतहरिक हैं। एमडी वासा के साथ जो कमिश्नर लाहौर हैं और डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, वो भी मुतहरिक हैं और तमाम जो इंतजाम हैं निकासी आपका, उनका जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। एमडी वासा के मुताबिक अब तक जो है वो लक्ष्मी चौक, करीम पार्क और चौक नाखुदा में पानी जो नशेबी इलाके हैं वहाँ से पानी को क्लियर कर लिया गया, मगर बरकत मार्केट के तरफ में, गार्डन टाउन और फैसल टाउन के तरफ में पानी जमा है। वहाँ पर वासा का अमला मुतहरिक है। तमाम जो अंडर पासिंग हैं उनको क्लियर रखा गया है और उनको क्लियर रखने के लिए डिस्पोजल स्टेशन जो हैं वो भी ओपन हैं। दूसरी जानब महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। जी।